बुधवार को मस्तूरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा, मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम गोदाडीह और लोहारसी में सीमेंट परियोजना लागू करने के लिए 18 जून को जनसुनवाई रखी गई थी, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी विरोध देखा जा रहा है, क्योंकि कंपनी और शासन के द्वारा इस जनसुनवाई के बारे में ग्रामीणों को कोई जानकारी या सूचना नहीं दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यहां कोई भी प्लांट न लगे, इसके बावजूद भी यही प्लांट लगाने के लिए जनसुनवाई की जाती है, तो और इस दौरान कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जब इसे लेकर मीडिया के द्वारा जिला कलेक्टर अवनीश शरण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, वो छानबीन करके सही तथ्यों पर कार्रवाई करे। हमें गोड़ाडी में अभी लोहरसी में जन सुनवाई हो रहा है, उसको निरस्त करवाने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय जी को आवेदन देने के लिए। किस कारण से निरस्त करवाना चाहते हैं आप लोग? ACC अडानी कंपनी है जो फर्जी तरीके से अभी जन सुनवाई करना चाहते हैं, वो बिना बताए गाँव में जन सुनवाई कर रहे हैं, उसको निरस्त करवाने आए हैं। तो जमीन तो पहले सीमांकन हुआ होगा, प्रमाणीकरण कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बताए हैं अभी तक। तो कब है जन सुनवाई? 18 तारीख को। 18 जून? पता नहीं है गांव वालों को? नहीं, कोई पता नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जन सुनवाई ना हो। फैक्ट्री खुले कि ना खुले? ना खुले। मेरा नाम रुखमणी भारद्वाज है। देखिए, 2022 में हमने जन सुनवाई का वहाँ पर विरोध किया था और ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई और उसके बाद बीच में जन सुनवाई को एडिशनल कलेक्टर कुरवंशी जी को स्थगित करने का आदेश करना पड़ा। वही जन आक्रोश की पुनः स्थिति लाई गई छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा, क्योंकि ये रिपोर्ट 2019 की है। भारत सरकार की उद्योग नीति 2006-14 नवंबर ये कहता है कि 2 वर्ष से पुरानी ये रिपोर्ट नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये रिपोर्ट में वहाँ पे 1,27,632 पेड़ है, कहुआ के, नीम के, सागौन के, खमार के, इन पेड़ों का उल्लेख नहीं है। एक दूसरी बात है, वहाँ पर 42 छोटे बड़े तालाब पोखर, उसका उल्लेख नहीं है। डिंडेश्वरी का मंदिर जो है पुरातन काल का है, सभी को पता है यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को, वो मूर्ति काले ग्रेनाइट की है। वहाँ पर शिवलिंग का मंदिर है जो अनादि काल का है, ब्लास्टिंग से उस ग्रेनाइट की मूर्ति का क्षरण होगा। आज धरोहर के रूप में बची हुई पुरातत्व विभाग को भी छत्तीसगढ़ और केंद्रीय गवर्नमेंट मोदी सरकार लूटने पर आमादा है और हमारा मांग जन सुनवाई निरस्त करना तो है ही, साथ ही साथ ACC प्लांट ने जमीन खरीदी किसानों को छल पूर्वक, ये नहीं बताया कि ACC सीमेंट प्लांट डल रहा है और अडानी को बेच दिया। बताना चाहूँगा, वसुंधरा ग्रुप और राशि पावर प्लांट का किस्सा मस्तूरी के अंदर चल रहा है। जन सुनवाई जो करा रहे हैं वो पूरी तरह फर्जी है, प्रशासनिक दबाव में हो रहा है, प्रशासनिक गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और किसानों को और क्षेत्रवासियों के ऊपर उद्दीत करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। सारा दस्तावेज हमने बता दिए, कायदे से कंसल्टेंट कंपनी धीरू भाई अंबानी अडानी ग्रुप पर FIR होकर अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप फर्जी जन सुनवाई का EIA रिपोर्ट लोकन करा रहे हैं, ये अपराध है। लेकिन ऐसा ना होकर ग्रामीणों को आज कलेक्टेड माना पड़ रहा है, ये केंद्र और राज्य सरकार की मिली हुई रणनीति का हिस्सा है। अडानी और अंबानी को सरकारें बेचना चाह रही, हमारे छत्तीसगढ़ को हम होने नहीं देंगे। आप पत्रकारों से निवेदन करूंगा, पुनः उद्दीन भी किया था, हंसदेव आनंद Part 2 ना बनने दे, 225,000 पेड़ कटेगा, पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। 46 डिग्री पारे को हमने 23 में छुआ है, 24 में आप हम सब 52 डिग्री में जाएंगे, ये दोगली सरकार का कारण हो रहा है। आए हुए हैं क्या कुछ? मस्तूरी ब्लॉक के अंदर गोदाडी, भुटकुंडा और बुहाडी टांगर, इन गांवों के अंदर जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं ACC सीमेंट को लेकर, कि उसको लेकर के गांव वालों का साफ करके जो भी लोगों ने कहा भी, किसी प्रकार की विधिवत ना तो किसी को सूचना दी गई है ना प्रक्रिया का पालन किया गया। ऐसी स्थिति में 18 तारीख को वहाँ जनसुनवाई की जा रही है, तो सवाल ये उठता है कि जनसुनवाई किसके लिए की जा रही, क्यों की जा रही है, जब आपको फॉर्मेलिटी ही करना है तो इससे की चीज़ों का दिखावा किस बात का करना। इसी बात का आज विरोध दर्ज करते हुए कि गाँव वाले द्वारा आज सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये ज्ञापन देने आए हैं कि 18 तारीख की जो जनसुनवाई, इसको निरस्त किया जाए। सबसे पहला काम तो निरस्त किया जाए, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। जो आपको करना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, वो सारी संवाद जनता के साथ, वहाँ के गाँव वाले के साथ होने चाहिए। जनता क्या चाहती, गाँव वाले क्या चाहते, क्या फर्जी तरीका अपनाया जा रहा है, क्या सही तरीका अपनाया जा रहा, वो सारी चीज़ें सबके सामने होनी चाहिए, तब जाकर के प्रक्रिया का पालन होगा। तो उसी का विरोध है, लगातार वहाँ काफ़ी आक्रोश है और ये आक्रोश आज पहली बार का नहीं, बल्कि लगातार वहाँ लोग लोकल लेवल पे लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद ये चुपके गुपचुप तरीके से प्रक्रियाएं की जा रही हैं। इस तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाते हुए आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं गाँव वालों के साथ। लेकिन शासन ने निरीक्षण तो किया होगा जगह का? सवाल सामने कि निरीक्षण हुआ किसके सामने हुआ, इतने सारे गांव आज तो चूंकि स्थिति ऐसी थी कि काफी लोग नहीं आ पाए। हमारे जो जमीन है तो कहने का मतलब है कि ये जो लोग खड़े हैं, निरीक्षण किसके सामने हुआ भाई, गांव वाले भी तो होने चाहिए, गांव वालों को पता ही नहीं कौन सा निरीक्षण हुआ। तो कहने का मतलब है सब फर्जी तरीके से हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, इसका विरोध। कितने गांव आ रहे हैं उसमें? लगभग 3 गांव का तो है, बुहाडी टांगर, इसमें सीधे तेरे तौर पर जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें ये प्रभावित हो रहा है, उसके आसपास कितने जमीन कितनी है?
हाँ, मस्तूरी क्षेत्र में सीमेंट प्लांट के लिए एक जन सुनवाई 18 तारीख को रखा गया है, 18 जून को। इस संबंध में कुछ ग्रामीण और अन्य लोग अभी मेरे से मुलाकात किए थे, इनका 2-3 जो ऑब्जेक्शन है उसको लेके, तो उसके संबंध में जो अपर कलेक्टर है जो उसके लिए ऑथराइज पर्सन है जन सुनवाई के लिए, उनको मैंने पूरे मामले की जांच के लिए कहा है, और वो जैसा भी उनके द्वारा जांच में आएगी रिपोर्ट उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।